अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेबास किचन। आज मैंने बनाया है पटैटो चिकन फिंगर्स। तो चलते हैं फिर, हम चेक देख लेते हैं कि क्या क्या लगने वाला है फिंगर्स बनाने। आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा प्लीज़। मैंने ये चार बड़े आलू लिया है, इसे बॉईल करके मैंने हाथों से स्मैश कर लिया है इसे इस तरीके से। अब इसमें जो हमें सारे मसाले और चिकन ऐड करना है, तो ये 150 ग्राम चिकन है जिसके मैंने बॉईल किया है, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के और इसे ऐसा क्रश कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें आलू में ये भी ऐड कर लेंगे। चिकन फिंगर्स बनाने के दो तरीके होते हैं। चिकन फिंगर्स बहुत पतले पतले बनते हैं, मैंने थोड़े से मोटे से बनाए हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी, लेकिन बहुत टेस्टी फिंगर्स बनते हैं। अब हमें इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे मिर्ची। मिर्ची हमने ये दो मिर्ची बारीक चॉप करके डाला है। मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपको ऐसे ऊपर से अदरक लहसुन नहीं डालना है तो आप अदरक लहसुन चिकन में भी डाल के बॉईल कर सकते हैं, फिर आपको चिकन डायरेक्टली आप चिकन में जो अदरक लहसुन होगा उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। मैंने डाला है एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है आधा चम्मच तक, आधा से भी थोड़ा कम, एकदम थोड़ा। ये आधा चम्मच, बड़ा चम्मच जो होता है स्पून, उसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यूज़ किया है, आप मिर्ची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और सॉल्ट हैज़ पर टेस्ट। मैंने इसमें वेजिटेबल्स के थ्रू इसमें डाला है गाजर, आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं बारीक बारीक ऐसे स्लाइस करके, मैंने आधा गाजर डाला है। और इसमें डालूंगी मैं चीज़ मैंने आधा यूज़ किया है, जो अमूल के छोटे छोटे चीज़ आते हैं वो दो यूज़ किया है क्रश करके। अब इसमें डाल रही हूँ आधा बाटी कोतमीर, और अब इसमें हमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। मैंने दो चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, दो से तीन चम्मच आप भर के यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। गाजर आप एक भी अक्कर डाल सकते हैं, मैंने आधा डाला है। अब ये पूरा अच्छा मसाला मिक्स हो गया है, अभी हमारा रेडी है बैटर बनाने के लिए फिंगर्स। तो जिसके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया वो भी बता रही हूँ। मैंने दो तीन अंडे लिया है, इसमें थोड़ा नमक ऐड करके इसे फेंट लूँगी। ब्रेड क्रम्स लिया है, मेरे पास बारीक ब्रेड क्रम्स है जो मैंने बना के रखा था, आप इससे थोड़ा दरदरा ज़्यादा कूटा हुआ भी लोगे ना तो वो अच्छा होगा, एकदम बारीक मत पीसना। अभी ये मैंने मैदा लिया है, इसमें थोड़ा नमक ऐड करके काली मिर्च पाउडर ऐड करके मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब हमें सारे फिंगर्स बनाना है, तो हम फिंगर्स बना रहे हैं इस तरीके से। फिंगर्स बनाना है थोड़े पतले पतले फिंगर्स भी बनते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बनाया है, देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा फिंगर्स बनाया है मैंने। एकदम से मेरे सारे फिंगर्स रेडी हैं। अब मैं इसे जो है मैदे से कोट कर लूँगी ताकि हमारे फिंगर्स टूटे ना। अच्छे से मैदे से कोट करना है, अच्छे से कोट करना है हमें, देखिए इस तरीके से सारे फिंगर्स को हम कोट करके साइड में रख देंगे। देखिए इस तरीके से हमने सारे फिंगर्स हमारे कोट कर लिया है। अब हमें जो है लास्ट स्टेप लेना है, हमें अंडे में इसे डीप करना है, फोक के मदद से हम जो है इसे निकालेंगे और ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स ने बोला नहीं, मैंने बहुत बारीक किया है, आप थोड़ा दरदरा कूट के भी आप कर सकते हो, तो फिंगर्स में ना ऐसे मोटे मोटे ब्रेड क्रम्स लगे रहेंगे। अब ये मैं ब्रेड क्रम्स में ऐड करके इसे चारों तरफ से लगा लूँगी। एक मेरा पटैटो चिकन फिंगर्स रेडी हो गया है। ऐसे ही करके मैं अपना सेकेंड भी ब्रेड क्रम्स फिंगर्स को रेडी कर दूँगी। अब ये सब रेडी करना है हमें एक साथ में, पूरा रेडी करके मैं फ्राई करूँगी। अब हमारे सारे फिंगर्स रेडी हो गए हैं। जैसे फिंगर्स रेडी हो जाते हैं ना, हम इसे जो है ना रेफ्रिजरेटर में आप 15-20 मिनट तक का रख दीजिएगा, उसके बाद फ्राई करिएगा। तो तेल गर्म हो गया है, अब एक एक करके मैं इसमें सारे फिंगर्स ऐड कर दूँगी। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आप इसे पकाइएगा, एकदम फास्ट फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मसाला जो हमने सारे कच्चा डाला है वो भी पकना ज़रूरी है। तो हम ये ज़्यादा लाल तो नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मली करेंगे, लेकिन स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे थोड़ी देर तक का। देखिए अभी मेरे फिंगर्स के कलर चेंज हो रहे हैं, मैं इसे ज़्यादा रेड नहीं कर रही हूँ, मीडियम रेड करूँगी। देखिए माशाल्लाह मेरे फिंगर्स रेडी हैं।
ऐसी अच्छी अच्छी सिंपल रेसिपी हम बना सकते हैं, घर बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। तो मैंने आपको सर्व करके भी बता दिया है सॉस के साथ। मेरे फिंगर्स रेडी है अभी। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।